अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ दील यूनस और आप देख रहे हैं कबूतरबाजी इन पंजाब। तो दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। दोस्तों आज आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस के हवाले से वीडियो शेयर कर रहे हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा इंशाल्लाह, जो भी अपडेट है वो शेयर करते हैं आपसे। तीन बच्चे जो हैं वो पेटियों से बाहर आ चुके हैं, उनका शौक भी कराएंगे एंड में। यहाँ पे बच्चे पाल रहे हैं जी, इसके नीचे भी बच्चे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ पे अंडे हैं जी, उसके बाद यहाँ पे भी बच्चे हैं, उसके बाद ये भी बच्चा पल रहा है जी माशाल्लाह, यहाँ पे भी बच्चे हैं, यहाँ पे भी बच्चे निकल आए हैं जी। फॉस्टर पेयर है, इसके नीचे 43 नंबर टैडी जोड़े के बच्चे हैं, यहाँ पे अंडे हैं जी अभी, यहाँ पे भी बच्चे हैं माशाल्लाह। तो इस साइड पे इतने ही पेयर लगे हुए हैं, सब भी तकरीबन जो है ना ब्रीड पे हैं, अंडों पे हैं दो जोड़े और बाकी सब बच्चों में। दूसरी साइड पे लेके चलते हैं जी, एक ये बच्चा आ गया जी बाहर पेटी से माशाल्लाह। उसके बाद एक ये इसका भाई है जी, ये दोनों पेटी से बाहर आ चुके हैं, और एक ये बच्चा है जी माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे अंडे हैं जी, इसी जोड़े के पहले दो बच्चे हैं जो बाहर, एक बच्चा है और एक अंदर, आपको सबसे पहले दिखाया, शोक कराते हैं जी। उसके बाद यहाँ बच्चे हैं, यहाँ पे अंडे हैं, अभी ताज़े ही हैं, ये अंडा देने वाली है, यहाँ पे भी बच्चे हैं। तो ओवरऑल यही पेयर लगे हुए हैं, यहाँ पे अंडे पड़े हुए हैं जी भी। तो मैंने कहा आप दोस्तों से शेयर कर दें, काफ़ी दोस्त भाई कह रहे हैं वीडियो नहीं आ रही, तो ब्रीडिंग की भी बताएं क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो अभी बच्चों का शौक कराते हैं और ये वीडियो छोटी सी बनाएंगे इंशाल्लाह, वीडियो एंड तक देखिएगा, और इसके बाद फिर नेक्स्ट एक वीडियो में जो बच्चे बड़े हो गए इनके माँ बाप के साथ इनका शौक कराएंगे, तो कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जी। दोस्तों ये सियालकोटी जोड़े का बच्चा है जी, इसके माँ बाप का भी शौक कराएंगे, अभी ये चोग ले रहा है। ये एक्चुअली मैंने इस साइड पे एक जोड़े के नीचे फॉस्टर किया है, इसके माँ बाप दूसरी साइड पे हैं, अभी ये इसकी कलियाँ छोटी हैं, अभी ये पूरा तैयार नहीं हुआ, चोग ले रहा है, बड़ा शानदार और बड़ा मियारी बच्चा आया जी। और इसके माँ बाप दोनों का रिज़ल्ट है, इसका बाप मेरे पास तकरीबन 3 साल हो रहा है और बड़ी लंबी परवाज़ें दे चुका है। बाकी नेक्स्ट एक वीडियो में जब ये पूरा तैयार हो जाएगा, आँख शाँख इसकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी, फिर इसका जो है ना माँ बाप के साथ शौक कराऊँगा। ये देख लें जी कुंदा इसका माशाल्लाह, बाकी क्वालिटी समझ आ जाती है, बड़ा म्यारी बच्चा आया है जी। इसके दो बच्चे उस साइड पे भी पल रहे हैं, इसके बहन भाई, तो ये माशाल्लाह से इसके पंजे और नाखून हैं जी। आँख तो अभी इसकी क्लियर नहीं है, इसको मच्छरों ने थोड़ा सा जो है ना मुंह के ऊपर काट दिया, ये भी इसका ट्रीटमेंट करना है, अभी आँख इसकी साफ़ होनी है, बाकी चेहरा मोरा देख लें, बड़ा म्यारी बच्चा आया जी। ये आगे इंशाल्लाह परवाजी छत पे छोड़ेंगे, तो उम्मीद यही है कि अच्छे रिजल्ट देंगे इंशाल्लाह ये बच्चे, बच्चे की क्वालिटी देखेंगे, क्या बात है कुंदा, बहुत लाजवाब, सारे पॉइंट्स में पूरा आ रहा है बच्चा, मुलायम बहुत ज़्यादा है, परों में अभी से इसके वाइब्रेशन है, और दम देखें माशाल्लाह बिल्कुल मेंटेन। बाकी मजीद जिस टाइम पर कंप्लीट हो जाता है ज़ीरो कली, मतलब ये आखिरी कली ये वाली भी पूरी कर जाता है, फिर इसके माँ बाप के साथ इनका शौक कराएंगे, नेक्स्ट बच्चे का शौक कराता हूँ जी। दोस्तों ये माशाल्लाह से नेक्स्ट बच्चा जी, ये दोनों आ चुके हैं पेटी से बाहर, और जोड़ा दोबारा सेंडों पे बैठा हुआ है जी। ये स्लेटी कमगर कबूतर है, ये उस कबूतर का बच्चा है जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छे रिजल्ट है इनके पहले भी, अभी फीमेल चेंज की है इसके साथ, और ये
पहला बच्चा आया, आँख अभी थोड़ी सी साफ होनी है लेकिन रिंग और ज़रात जो हैं वो क्लियर हैं इसके। बाकी अपनी भी राय ज़रूर दीजिएगा, आपको बच्चे कैसे लगें। ये इसका कुंदा है जी, माशाल्लाह ये 10वीं गली पूरी कर गया, शायद 9वीं गली इसकी बड़ी है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा दराज कुंदा आया है, म्यारी बच्चा है जी। ये भी सामने परवाजी छत पे छोड़ेंगे इंशाल्लाह। परों के रिदम देखें माशाल्लाह, अभी से ही बिल्कुल क्लियर है। 9वीं कली इसकी बड़ी है दोनों साइडों से, और ये इसकी दुम है जी माशाल्लाह। बिल्कुल छोटा बच्चा, ये चोग इसने शायद अभी छोड़ी है या छोड़ेगा आजकल में, तैयार हो गया ये तकरीबन। इसका एक और भाई भी है, वो भी शेयर करता हूँ आपसे। नेक्स्ट एक वीडियो में इनके माँ बाप के साथ भी इनका शौक कराऊंगा जी दोस्तों। नेक्स्ट ये बच्चा जी, ये दोनों एक ही झोल गए हैं जी, लेकिन ग्रोथ पलवाई देख लें दोनों की बराबर की है, दोनों बराबर पले में, और आगे इंशाल्लाह जो भी इनके रिज़ल्ट रहे वो आप दोस्तों में शेयर करेंगे। ये इसकी आँख है। बाकी बच्चे भी छोटे हैं जी पेटियों में, वो भी बड़े हो जाएं बाहर आ जाएं तो फिर उनका भी शौक शेयर करेंगे। ये कुंदा है जी इसका, बड़ा अच्छा और म्यारी कुंदा लगा हुआ है जी इसको भी। बगलों का साइज देखें, बाकी अपनी राय दीजिएगा बच्चे कैसे लगें। फ़िलहाल तो ये तीन ही बच्चे बाहर आए हैं तो मैंने कहा आपसे उसमें शेयर करते हैं, स्टैंडिंग दिखाते हैं जी, फिर वीडियो एंड करते हैं जी दोस्तों। ये माशाल्लाह स्टैंडिंग है जी, बाकी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा बच्चे कैसे लगे हैं, वीडियो कैसी लगी है। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना और अपने गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।